आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ में हैं और तूफानी रैली का दौरा कर रहे हैं। एक के बाद एक विपक्ष पर वार किए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर ये वार इसलिए हो रहा है क्योंकि 2019 लोकसभा चुनावों का दौर बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग मेरठ में होनी है। ऐसे में यहाँ पर मेरठ सीट को लेकर यहाँ बहुत एक बड़ा फैसला यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। रैली में मोदी का चौकीदार और चौकीदार बनाएंगे सरकार, ये नारा इस बार दिया गया है। पहली बार था, अब की बार मोदी सरकार, इस बार मैं भी चौकीदार और चौकीदार बनाएंगे सरकार। ये पूरी तरह से एक अलग तरह का एजेंडा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। अब एक के बाद एक राहुल गांधी की स्कीम पर बिना वार किए या बिना नाम लिए यहाँ पर एक अलग सा तंज कस दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि महामिलावटी सरकार में देश सुरक्षित नहीं रहेगा, यानी कि जो महागठबंधन है सपा बसपा और बाकी पार्टियों का, जब से योगी जी की सरकार आई है तब से गुंडों में डर है। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी के मेरठ में, यानी कि उत्तर प्रदेश जिसका रास्ता सीधा दिल्ली के लिए जाता है, जो सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ की सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, वो सीटें अब पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तरफ लेकर आना चाहते हैं। मोदी ने ये भी कहा कि जब मेरठ में लोग या युवा जब वोट डालने जाएगा और कमल का बटन दबाने वाला होगा तो उसके सामने एक आधुनिक भारत की तस्वीर होगी, एक विकास के भारत की तस्वीर होगी और वही विकास अब भारत को चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो कहते हैं मोदी ने ये क्यों किया वो क्यों किया, लेकिन मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, मैं हिसाब भी लूंगा और हिसाब भी दूंगा। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जाहिर तौर पर जिस तरह यूपी में प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली पर रैली हो रही है, जिस तरह से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे कर दिया है स्टार प्रचारक के रूप में। सवाल ये भी है कि क्या यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फैसला है या फिर जिस तरह से वो लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, लोग क्या कन्विंस होंगे। उन्होंने कहा कि मोदी अपना हिसाब देंगे, मोदी सबका हिसाब भी लेंगे, यानी कि अब हर हर मोदी घर घर मोदी वाला फिर से एजेंडा यहाँ पर शुरू हो गया है। हर जगह मोदी मोदी का हल्ला शुरू हो चुका है, एक बार फिर वही मोदी लहर क्रिएट करने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर यूपीए की सरकार पर पूरी तरह से निशाना जो है वो साधा जा रहा है। उन्होंने कहा कि चौकीदार को चुनौती देने वाले आज फिर से रोते फिर रहे हैं। जी हाँ, मेरठ की इस तूफानी रैली में एक के बाद एक वार पर वार यहाँ पर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आदित्यनाथ योगी की तारीफ करते हुए नजर आए वो, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी, उनके लिए उन्होंने कहा कि जब से योगी की सरकार आई है तब से गुंडों में डर बैठा हुआ है। जी हाँ, यानी कि आदित्यनाथ योगी ने आकर गुंडों के अंदर से डर खत्म कर दिया है, माफ़ कीजिएगा डर बना दिया है, और अब लोग जो हैं खुली सड़कों पर घूमते हैं और वो जो क्राइम की जो खबरें आती हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक शायद पहुंचती नहीं है। अब फिलहाल जिस तरह का एजेंडा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिस तरह अपनी बातों को रखने का सिलसिला जारी है, आलम तो यही है कि भैया अब सवाल न पूछो, अब सिर्फ मोदी मोदी के गुणगान करने शुरू कर दीजिए। एक तरफ जो विपक्ष है, प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो इतने सालों से वो सोई हुई थी, अचानक से वो उठी और उन्होंने कहा कि मेरा देश संकट में है और मैं आपके लिए आकर खड़ी हो गई हूँ। पिछले 5 साल में देश संकट में नहीं था, पिछले 5 साल में देश ने GST नहीं देखा, पिछले 5 साल में देश ने नोटबंदी नहीं देखा प्रियंका गांधी की नज़र में, और अब वो नोटबंदी के मसले एकदम से चुनावी दौर में आने शुरू हो चुके हैं और एकदम से उन्हें लग गया है कि देश जो है वो संकट में है और वो संकट से उन्हें उभारना चाहती हैं। प्रियंका गांधी ने ये भी कहा था कि राहुल गांधी को सत्ता का कोई लालच नहीं है और मैंने और राहुल गांधी, यानी कि हम दोनों भाइयों बहनों ने बड़े बलिदान देखे हैं अपने परिवार में और सिर्फ लोगों का भला करना चाहते हैं और लोगों का भला हम करेंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा कि महामिलावटी लोग पाकिस्तान में छाए हुए हैं, यानी कि एक बार फिर वो देशद्रोही वाला जो परचम है वो लहराना शुरू कर दिया है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भैया राजनीति अगर देखनी है तो इस तरह की राजनीति हिंदुस्तान में ही दिख सकती है। विकास के मुद्दों की बात कहीं किसी ने नहीं की, ना किसानों के मुद्दों की बात हुई है अभी तक, ना ही गरीब के मुद्दों की बात हुई है। बस ये है कि हमने 10% सामान्य गरीबों को आरक्षण दे दिया है, उसका रोना जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने इतिहास रच दिया। एक तरफ राहुल गांधी साहब कहते हैं कि मैं गरीबी पर फाइनल असॉल्ट करने जा रहा हूँ,
3.60 लाख करोड़ जो है वो इस स्कीम में लगेंगे। ये बहुत बड़े बड़े लोगों से मैंने डिस्कस किया है और जिनका परिवार यानी कि जो 12,000 से कम कमाते हैं, 5 लोगों का जो एक एवरेज परिवार है, उनके अकाउंट में 6,000 रुपये प्रतिमाह डाल दिए जाएंगे, यानी कि साल के 72,000 रुपये जो है वो राहुल गांधी की न्याय योजना के तहत अकाउंट में डाले जाएंगे। अब सवाल ये है कि आखिर जनता भरोसा किस पर करे। एकदम से जाग उठी प्रियंका गांधी पर, जिनको लगा कि देश संकट में है और तुरंत यूपी का दौरा करना शुरू कर दिया जहां से सबसे ज़्यादा सीटें निकलती हैं, या फिर बात प्रधानमंत्री मोदी की करें जिनसे बात करें कि भैया सबूत मत मांगो, मैं जो कर रहा हूँ मैं चौकीदार हूँ और चौकीदार ही हमेशा सही होता है, चाहे वो मालिक का चौकीदार हो या गरीब आदमी, तो खैर चौकीदार पाल ही नहीं सकता। अब देखना होगा कि सियासत और कितनी गर्म होती है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल SPNI News को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।